नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का शिकंजा, एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई की छापमार कार्रवाई, लटकी गिरफ्तारी की तलवार, ईडी भी दर्ज कर सकती है मनी लॉन्ड्रिंग का केस। मनीष सिसोदिया के छापे पर आम आदमी पार्टी और भाजपा आमने सामने, बोले केजरीवाल, दिल्ली के शिक्षा मॉडल की अमेरिका में भी हो रही है तारीफ, भाजपा का पलटवार, बेकसूर है तो बेचैन क्यों। सीबीआई छापे के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि साजिशें न उन्हें तोड़ सकेंगी और न ही अच्छी शिक्षा के लिए काम करने के उनके संकल्प को बाधित कर पाएंगी। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर कसा तंज, कहा दिल्ली के एक्साइज मंत्री एक्सक्यूज मंत्री बन गए। बिहार में तेज प्रताप के बाद अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी बाहरी व्यक्ति को मीटिंग में बुलाने का आरोप, सुशील मोदी ने पूछा कि कौन मीटिंग में मौजूद संजय यादव। जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं, कहा यदि अन्य दल चाहे तो एक विकल्प हो सकते। हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध सरकार, पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन को ग्राम स्वराज से जोड़ा, हर व्यक्ति को पीने का पानी देने का लक्ष्य। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वह सेना में शामिल होना चाहते थे लेकिन अपनी पारिवारिक दिक्कतों के कारण ऐसा नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले तेज हुई सियासी सरगर्मी, सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बीच बंद कमरे में बैठक, बोले नरोत्तम, पलक पावड़े बिछाकर स्वागत के लिए तैयार। हत्या के केस सुलझाने के लिए पणखोर सरकार की शरण में पहुंची मध्य प्रदेश पुलिस, वीडियो वायरल होने के बाद एएसआई सस्पेंड। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश का हर व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए पास संकल्प के साथ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े, कहा आने वाले समय में विश्व महाशक्ति बनेगा भारत। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जम्मू कश्मीर पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों की मदद से मोहम्मद यासीन को दिल्ली से गिरफ्तार किया, आतंकी संगठनों लश्कर ए तैयबा और अलबद्र के फंडिंग से जुड़े हवाला मनी टेररिज्म में एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा की शुगर फैक्ट्री में आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 2 लोगों की हुई मौत, हादसे में 6 अन्य घायल। महाराष्ट्र में जन्माष्टमी पर दही हांडी की धूम, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के घाट कोपर में दही हांडी कार्यक्रम में लिया हिस्सा। जन्माष्टमी पर मुंबई में जगह जगह हुए दही हांडी कार्यक्रम, मटकी फोड़ के दौरान करीब 2 दर्जन गोविंदा घायल, कई अस्पताल में भर्ती। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने 12/7 के सासन थाना क्षेत्र से 2 बदमाशों को हिरासत में लिया, इन्हें अलकायदा के एक्यूआईएस का हिस्सा बताया जा रहा है, उनके कब्जे से देश विरोधी दस्तावेज जब्त किए गए। मनीष सिसोदिया के यहाँ छापे पर टीएमसी सांसद स्वागत राय ने कहा कि सीबीआई और ईडी भाजपा के दो हाथ है, पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया और अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मारा गया, ये विरोधियों को दबाने के लिए किया जा रहा है। लगातार उछाल के बाद साप्ताहिक कारोबार के आखिरी दिन शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 652 अंक का गोता लगाकर 59,646 पर हुआ बंद, निफ्टी में 198 अंक टूटकर 17,758 अंक पर हुआ बंद। स्पेनिश फिल्म मिराज का हिंदी रीमेक है दोबारा, फिल्म की स्टोरी है पावरफुल, फिल्म में कुछ खामियां भी है लेकिन चौंकाने वाले उतार चढ़ाव दोबारा को एक बार फिर बनाते हैं देखने लायक, वेब दुनिया ने दिए 3 स्टार। अभिनेता विजय देवरकोंडा ने कहा कि किसी भी फिल्म के बहिष्कार के फैसले से सिर्फ हीरो नहीं बल्कि हजारों परिवार होते हैं प्रभावित, आप किसी सितारे को नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी डाल रहे हैं असर। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।